हेलो गाइस, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस में और मेरा नाम है अतुल सिंह। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बंदर वाला कॉन्सेप्ट है, जो बंदर जो है एक पेड़ पर चढ़ता है और नीचे फिसलता है। क्या है ये कॉन्सेप्ट? चींटी है, ऊपर जाती है, नीचे आती है। मेंढक है, कुएं में गिरता है, नीचे आ जाता है। ये सारी चीज़ें ही एक ही बातें हैं। तो इन सारी बातों को आज हम अपने लेक्चर पर सीखेंगे और जानेंगे इसमें क्या है। तो हम आपको बता दें, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, मेथड सिखाने वाला हूँ। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बताऊँगा कि आप इसमें फिट करो आंसर आ जाएगा। दरअसल ये ट्रिक जो है हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रही हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए यार तीन तीन ट्रिकें, दो दो ट्रिकें तो हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ में है सवालों की कमी नहीं है। अगर हम हर एक सवाल पर अलग अलग ट्रिक लगाएंगे तो यार हम नहीं याद कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही होता है। क्योंकि हम पढ़ते हैं ट्रिक के जरिए से, कभी कभार बहुत से बच्चे काफी पूरा ट्रिक याद कर जाते हैं, ठीक है। हालांकि अच्छा होता है कभी कभार, लेकिन यार भूल जाने के कारण हम उन ट्रिकों को याद नहीं रह पाते हैं। ट्रिकें तो तभी याद रहती हैं, दरअसल हमारा हुआ तो हमें ट्रिकें याद रहेंगी, लेकिन अगर आप सीखेंगे, आप मैथ सीख रहे हैं, तो आपको ट्रिक नहीं याद हो सकती है। जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि दिमाग में एक बना रहेगा यार ये आया कहाँ से था, ये चीज़ है। तो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, पूरा कॉन्सेप्ट है, मैथड है। अभी मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट और मैथड डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझना और हम लोग अपने सवाल को भी जल्दी से जल्दी ही लगा देंगे, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि 179 मीटर ऊंचे गोल खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, लेकिन दूसरे मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक आता है। खंभे पर ऊपर पहुंचने पर बंदर को लगने वाला समय क्या है? तो ठीक है, खंभा जो है कितना है? 79 मीटर है पूरा टोटल, ठीक है। अब क्या करता है एक बंदर कि पहले मिनट में 4 चढ़ता है और दूसरे मिनट में वो 1 नीचे आ जाता है। तो यार थोड़ी सी बात, अगर आप मैं डायरेक्टली पूछूं कि 1 मिनट में वो 4 चढ़ता है और 1 मिनट में वो 1 नीचे आ जाता है, अगले वाले मिनट में, उसी मिनट में नहीं अगले वाले मिनट में, तो 2 मिनट में चढ़ा कितना? 3। 2 मिनट में चढ़ा कितना? 3। ये चीज आपको क्लियर है? 2 मिनट में 3। अब देखना, अब हमें 79 चढ़ाना है, इसका मतलब हम क्या करने लगते हैं? 79/3 करने लगते हैं। यही गलती नहीं आपको करनी है। तो जैसे अगर आपको 27 चढ़ाना होता है तो समझ लो आप लोगों का आंसर 9 आ चुका है, यही बात गलत है। तो अब हम बताने जा रहे हैं, उसको ध्यान से सुनना कि जो पहला वाला मिनट है, जितना ये पहले वाले मिनट में चढ़ता है या कूदता है, जो भी होता हो, ठीक है, तो पहले वाला मिनट इसमें से घटाएंगे टोटल, जितनी हमें डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जितनी हमें तय करनी है पहले वाले मिनट में, टोटल से हम घटाएंगे। तो 79 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो बचा कितना? 75। यानी कि अब हमें 75 चढ़ना है। और ये क्यों 4 घटाया, अभी मैं आपको साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो लास्ट वाला, जैसे सोच लो अगर यहाँ तक ये दूरी 75 हो, यहाँ पर बंदा पहुँच चुका है, तो 1 मिनट में 4 चढ़ता है, जब 4 वो छलांग मारा तो यहाँ पर आ गया भाई, यहाँ तक 75 था, 4 मारा छलांग, पहली वाली छलांग में यहाँ आ गया। जब कोई बंदा अब यहाँ पर बैठा है, जब कोई बंदा यहाँ पर बैठा है यार, उसको फिसलने की क्या जरूरत है? वो तो ऊपर चढ़ ही चुका ना, जब चढ़ चुका तब फिसलने की क्या जरूरत है? यही गलती हम करते हैं। तो ध्यान रखना, पहला वाला जो है 4, या 4 जो भी हो, पहले वाले जैसे 5 मीटर कूदता है, 5 मीटर चढ़ता है पहले वाले मिनट में, तो वो हमको तुरंत घटा देनी है टोटल में से। तो 79 में से आप 4 लेस करेंगे तो आपको मिलेगा 75, ओके। तो अब हमें 3 में ऐसी गुणा करनी है कि 75 बन जाए, ओके। 3 में ऐसी गुणा करनी है 75 बन जाए, बहुत सिंपल है। 25 से यहाँ, 25 से यहाँ, तो 25 दूना 50 और 25 दिया 75, यानी कि 50 मिनट में वो कितना चढ़ जाएगा? 75 चढ़ जाएगा। अगर 50 मिनट में 75 चढ़ जाएगा तो अब मिनट आएगा 1, तो फिर वो चढ़ेगा 4, क्योंकि 1 मिनट में 4 चढ़ता है। अगला मिनट आए तब तो फिसले, फिसलने वाली नौबत ही नहीं आई। तो 50 और 1 51 मिनट हो गया, और 75 और 4 79 चढ़ गया, तो 51 मिनट में ये खंभे तक ऊपर तक पहुंच जाएगा। ये देखना, फिर से आप समझना फ्रेंड्स, देखो आपका सवाल लिखा होगा एग्जाम में, जैसे हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो सवाल कह रहा है 79 मीटर चढ़ना है, पहले वाले मिनट में हम 4 मीटर नीचे आते हैं, दूसरे वाले मिनट में, सॉरी, पहले वाले हम 4 मीटर ऊपर चढ़ते हैं और दूसरे वाले में 1 मिनट नीचे आते हैं, तो 2 मिनट में चढ़ा कितना? 2 मिनट में चढ़ा कितना? 3। 2 मिनट में चढ़ा कितना? 3। 2 मिनट में 3 चढ़ गया,
और जैसा कि अभी हमने बताया आपको, 2 मिनट में अगर 3 चढ़ गया और हमको चढ़ना है 79, तो पहले वाला मिनट घटा देते तो 79 में से 4 गया 75, तो 25 में ऐसे ही गुणा 75 हो जाए, तो 25 यहाँ 75, अगर 75 यहाँ हो गया तो 25 यहाँ भी, 50 गुना 50, 25 गुना 50, यानी कि 50 मिनट में वो कितना चढ़ गया, 75। अब आया 1 मिनट, 51 वाला मिनट आया, 51 मिनट में 75 जो चढ़ गया था, जैसे 75 चढ़ा, जैसे 1 मिनट और आया तो 4 और चढ़ेगा, तो पूरा हो गया 79, यानी कि टोटल हमको मिनट कितना लगा, 51 मिनट लगा। चलिए हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे, 2 से 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन लास्ट में ऐसा करेंगे जो कि कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगती है, उसमें कॉन्सेप्ट ही अगर आपको क्लियर है तभी आपका आंसर जल्दी से आ पाता है। तो चलिए आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं और पढ़िएगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक आदमी को 60 फीट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना है और हर सेकंड वह 5 फीट चढ़ता है परंतु 4 फीट नीचे आ जाता है हर सेकंड। इसका मतलब यही है कि वही सेकंड में 5 चढ़ता है, उसी सेकंड में 4 नीचे आ जाता है, यानी कि फाइनली एक सेकंड में एक ही चढ़ता है, ये बात आप समझ लो, क्योंकि अगर इसमें अलग से क्वेश्चन में नहीं कहा गया, कहना कि हर सेकंड 5 फीट चढ़ता है परंतु 4 फीट नीचे खिसक जाता है, बताएं कि वह कितने सेकंड बाद वृक्ष पर पहुंचेगा। वृक्ष है कितना, 60 फीट का है, वृक्ष है 60 फीट का, लेकिन वह हर सेकंड क्या करता है, हर सेकंड 5 चढ़ता है और उसी सेकंड में वही वाले सेकंड में 4 नीचे आ जाता है, तो फाइनली में एक सेकंड में चढ़ता कितना है, एक सेकंड में एक चढ़ता है। समझ लो आंसर गलत आने स्टार्ट हुए गए और बच्चे यही कहेंगे कि एक सेकंड में एक चढ़ता है, यार 60 चढ़ना है तो 60 सेकंड लगेगा, यहीं पर आपका आंसर होता है गलत, क्योंकि अभी हमने बताया कि एक सेकंड में 5 चढ़ता है, ये जो चढ़ने वाला है इसको पहले हम लेस करेंगे, क्या करेंगे पहले, क्योंकि जब चढ़ जाएगा तब फिसलने की जरूरत, और अगर आप ऐसा फिसलने का इसमें एडजस्ट करें तभी आपका आंसर गलत होता है। तो ध्यान रखना ये 5 को पहले में घटाना है, 60 से 5 गया 55, अब आप ऐसे गुणा करें कि 55 बन जाए, 1 मिनट में 1 चढ़ता है तो 55 मिनट में 55, क्योंकि हमें बनाना है 55, तो 55 से यहां भी 55 यहां से, तो हमको टाइम लगा 55 चढ़ने में 55 सेकंड, 55 चढ़ने में 55 सेकंड, जैसे 56वां सेकंड आया, जैसे 56वां सेकंड आया तो वो सीधे 5 चढ़ गया, मान लेते हैं यहाँ पर 55 हो चुका है, जैसे यहाँ पर 55 मिनट भी हो चुके हैं, जैसे एक सेकंड और आया तो 5 वो तुरंत यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ हो गए 60, तो सेकंड हो गए 55 और 1 56, यानी कि 56 सेकंड में वो कितना हो जाता है, 60 मीटर चढ़ता है, 56 सेकंड में 60, और इसका आंसर यार बिना लिखे तुम कह सकते हो 1 मिनट में 1, तो हमको हमने कहा एक पीछे रखना है, जो पहली वाली जो चढ़ता है, जो पहली वाली जो दूरी है 5 फीट है, 5 फीट अगर चढ़ता है तो इसको 5 60 में से घटा देंगे, 60 में से 5 गया बोलो 55, 1 मिनट में 1 चढ़ता है 55 में 55, और जैसे 56वां मिनट आया तो 5 वो चढ़ गया, तो 55 5 60 हो गया पूरा 60 फीट, और इधर हमारे मिनट हो गए 56। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड। अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक तो बनता ही है ना, तो आप लाइक करके जाएंगे यकीनन, ठीक है। और ध्यान रखें अगर आपको इसी तरीके से अपने मैथ्स को इम्प्रूव करते रहना है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि अगर आप पहली बार आए, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका बहुत ही बहुत शुक्रिया, क्योंकि तभी आपको एक नोटिफिकेशन आएगा जब आपका चैनल सब्सक्राइब होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर तीसरा सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं। तीसरे सवाल में है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर। अब देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है, पहले ये इस बात नहीं कही गई थी, अब इस वाले सवाल में ये बात कही गई है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ता है, वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है, और इसी प्रकार का क्रम जारी रहे तो वह कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो ये बात समझ लो कि 12 मीटर का खंभा है, 12 मीटर ऊंचा एक खंभा है, इस पर एक बंदर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, कह रहा है कि एक मिनट में वो एक मिनट पहले वाले मिनट में 2 चढ़ता है और अगले वाले मिनट में 1 नीचे आ जाता है, तो फाइनली में 2 मिनट में चढ़ा कितना, 2 मिनट में चढ़ा 1। अब 2 मिनट में 1 चढ़ा, चढ़ना है 12, तो 12 दूनी 24 मिनट लगेंगे, यही बात गलत हो गई, कितनी बार कहा है ऐसा प्रयास आप बिल्कुल ना करना, ठीक है। तो 2 मिनट में 1 चढ़ता है, अब हमने कहा था जितना पहले मिनट में चढ़े वो वाली दूरी घटाओ यार, घटाओ तो घटाओ, ये 12 में से 2 गया बोलो 10, अब 10 चढ़ना है पहले हमको, पहले तो हमको 10 चढ़ना पड़ेगा, तो 2 मिनट में 1 चढ़ पाता है, और हमने चढ़ना कितना है 10, 10 से गुणा यहाँ, फिर 10 से यहाँ, तो 10 दूनी 20, यहाँ चढ़ गया कितना 10, यानी कि 20 मिनट में 10। और जो बातें हम लिख रहे हैं बोर्ड पर ये लिखने लायक नहीं है, ये आप ओरल ही कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आपको
10 चढ़ने में लगा 20 सेकंड, और जैसे 21वां सेकंड आया, एक और मिनट आएगा, मिनट की बात हो रही, एक और मिनट आया तो वो सीधे 2 चढ़ गया। तो एक 20 और एक 21, 10 दो 12, भाई एक मिनट 21 मिनट में वो 12 मीटर चढ़ गया। किसी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा, अन्यथा अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसी प्रकार से अगर हम प्रयास करते रहें तो भी आप हमें कमेंट में बताएं कि क्या हम इसी प्रकार से लेक्चर लाते रहें कि नहीं। ओके, चलिए हम लोग एक अब चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें बातें जो हैं वो सही बटे में। दरअसल यहाँ पर ट्रिक वगैरह सीधे तुमने रखा, वैल्यू आ गई, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन जब सही बटे में आता है आंसर, सही बटे में जैसे एक चढ़ा, एक बटे दो फिसल गया, बचा एक बटे दो, अब प्रॉब्लम करेगा, अब प्रॉब्लम करेगा। तो ये बात अब समझना और सीखना इस चीज़ को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, तब तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है भाई सभी ने। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 20 मीटर लंबे एक खंभे पर एक कीड़ा एक मिनट में एक मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 1/3 मीटर नीचे फिसल जाता है। ज्ञात कीजिए कि कितने मिनट में यह खंभे के ऊपर चढ़ जाएगा। दरअसल 20 मीटर ऊंचा एक लंबा एक खंभा है, ठीक है, उस पर एक कीड़ा चढ़ने का प्रयास कर रहा है। कि कह रहा है कि पहले मिनट में हम एक मीटर चढ़ते हैं और दूसरे मिनट में हम 1/3 नीचे आ जाते हैं। ये आपका सवाल कह रहा है 1/3 हम नीचे आ जाते हैं। तो अगर हम समझने का प्रयास करें तो भाई 2 मिनट में चढ़ा कितना, भाई 1 में से 1/3 घटाना, बचा कितना 2/3। बहुत आसान है, 1 में से 1/3 घटाना, तो 3 × 1 = 3 = 2/3, बिल्कुल सही है ना। तो अब 2 मिनट में 2/3 हमने कहा था, पहले वाला मिनट घटाएंगे तो भाई 1 मिनट में एक चढ़ता है, तो 20 में से गया 1, 19। अब 19 समझ लेना आप, अब आप थोड़ा समझना। अब देखो 2/3 में कितने से गुणा करें, 19 आ जाए, ठीक। अब समझना ऐसी तो कोई गुणा है नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें 30 से गुणा करें तो 10 × 20 आएगा। भाई 20 हमारा चढ़ना ही नहीं है, हमको तो चढ़ना है कम। तो अब हम यहाँ पर एक कम से गुणा करेंगे, 30 से नहीं 29 से गुणा करेंगे। कितने से, 29 से। तो 29 से इधर, तो भाई 29 से इधर, तो 29 × 58। और देखो यहाँ कितना हुआ, 29 से अगर आप गुणा करेंगे तो यहाँ 29 × 58/3, यानी कि 58 मिनट में चढ़ गया कितना, 58/3। इसका मतलब 58/3 का मतलब क्या होता है, आप देख लीजिए यहाँ पर 58/3 का मतलब है, तो देखो 3 × 1 = 3, बचा गया कितना 2 हो गया 28, 3 × 27 बचा कितना 1, यानी कि 19 सही 1/3। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, हमको चढ़ना था 19 सही 1/3, यानी कि हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा चढ़े हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल इसी प्रकार से एडजस्ट है, बस हमने बताया कि एक कम से गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पूरा जा नहीं रहा था इसीलिए, इसी चक्कर में। आप टेंशन ना लेना, बिल्कुल आपके आंसर सही आएंगे, ठीक है। तो 19 सही 1/3 चढ़ गया, अभी हमको चढ़ना था 20, कोई बंदा 19 सही 1/3 चढ़ गया तो बचा कितना 2/3 ही बचा है। आप ना मानो तो भाई 19 से अगर 2/3 और होता तो हो जाता। अगर क्लियर नहीं है पहली बार तो इतनी छोटी सी बात तुम्हें पूछनी चाहिए, हम बता देते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बंदे के समझ में ना आ रहा हो, तो हम फिर से समझना। देखो यार 20 चढ़ना था, 19/3 चढ़ चुके हैं, 19 सही 1/3 का मतलब अभी समझ चुके हैं 58/3। तो देखो 20 × 60 −58/3 = 3, 60 में से 58 गया 2/3, बोलो 2/3 बचा कि नहीं बचा। यहीं से आप देख के कह सकते हैं 19 तो हो गया पूरा कंप्लीट, तो 3 में 1 में कितना जुड़े 3 हो जाए, तो भाई 2 जोड़ो तो 2/3 बचा है, तो 2/3, ठीक है, ये चीज़ हम बता रहे थे आपको। और समझना देखो, और पहले वाले मिनट में जैसे पहला वाला मिनट आया, पहले वाले मिनट में 1 मिनट में तो एक चढ़ जाता है, तो अभी एक तो बचा नहीं, बचा है 2/3, यार 1 मिनट में एक चढ़ जाता है तो 2/3 मिनट में 2/3 चढ़ेगा, 60 मिनट में 60 चढ़ेगा। जैसे हमने कहा 1 मिनट में कोई 1 रोटी खाता है, 2 मिनट में 2 रोटी खाएगा, आधी रोटी आधी मिनट में खाएगा, चौथी रोटी चौथे मिनट में खाएगा, ये बात है ना। तो आप समझ लो 2/3 कितना टाइम लगेगा 2/3 चढ़ने में, तो 2/3 ही टाइम हो लगेगा, 58 + 2/3। अब इसको ये मत करना 58 × 3 + 2, इसको ऐसे लिखा जाता है सीधे 58 सही 2/3, ठीक है। जैसे अगर 5 + 1/2 लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं 2 × 5 = 10 और 11/2 और फिर भाग कर रहे हैं 2 × 5 = 10 बचा 1, ये ऐसे करके नहीं, आप सीधे कह सकते हैं
पांच सही एक बटे दो, क्योंकि इसका मतलब ही तो जोड़ होता है, दो पंचे दस और प्लस एक, ऐसे तो होता है, तो पहले से ही लिखा हुआ है ये चीज़ है। तो इसको कितना टाइम लगेगा, 58 सही दो बटे तीन। अभी भी किसी को अगर कोई समस्या है तो उसके लिए मैं थोड़ा और क्लू दे देता हूँ कि बहुत से लोग चढ़ने होंगे, सर जी चढ़ना तो 19 था, चढ़ना तो 19 था लेकिन चढ़ तो गए ज़्यादा। अब यार ये इस हिसाब से सेट ही है, क्योंकि हमने तभी बताया था शुरुआत में कि थोड़ा हमें जब कभी हुआ ना कटे वैल्यू सीधे डायरेक्ट ऐसा ना आए तो हम क्या करेंगे। देखो अभी हम आपको दिखाते हैं, देखो ठीक है, देखो देखो हमको 20 चढ़ना है, एक मिनट में एक चढ़ते हैं और अगले मिनट में एक बटे तीन नीचे आ जाते हैं, तो बचा दो मिनट में दो बटे तीन चढ़ते हैं। अब 30 से गुणा करेंगे और हमें पहुंचना था 19 तक, क्योंकि एक कम कर लेते हैं, हमने बताया था शुरुआत में ही। तो भाई इसमें अगर हम 30 से गुणा कर नहीं सकते तो फिर हमने गुणा किया 27 से, तो 3 ने 27, तो फिर भैया 27 से इधर भी तो 2 मिनट में चढ़ता है ये, 27 दूना 54, तो यहाँ कितना हो गया 9 दूनी 18, भाई 3 ने 27 कटेगा 9 दूनी 18, यानी कि 54 मिनट में कितना चढ़ा 18, 54 मिनट में अगर 18 चढ़ा है तो अब एक 55 मिनट आएगा, फिर कितना चढ़ेगा 1, ठीक, तो 18 एक 19 हो गए, तो फिर आएगा 56 मिनट, तो फिर 1/3 नीचे भी तो आ जाएगा, है ना। तो अब समझना 18 और 1, 19 चढ़ चुका था, 19 में से अब 1/3 नीचे आ गया तो बचा कितना, देखो अब देखो बताना है 19 या 57 में से गया 58/3, नहीं तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं सीधे, देखो 54 था 18 चढ़ा था 55 आया एक और चढ़ा 55 में हो गए कितने, सीधे यहाँ पर ले लेते हैं 19 हो गए, 55 में एक चढ़ा 56 मिनट आया तो 19 में से एक गया, 19 में से 1/3 गया, 19 में से 1/3 जाए तो कितना बचेगा 18 सही 2/3। ना मानो तैयार करके देख लो, 57 में से एक गया 56/3, भाग करेंगे 3 एक कम 3 बचा 2 हो गए 26, 3 अठे 24 बचे 2, तो 58 सही 2/3। और फिर जैसे 57 मिनट आया तो फिर एक चढ़ेगा, तो एक चढ़ेगा तो हो जाएगा 18, इसमें जोड़ देंगे 19 सही 2/3। अब फिर जैसे 58वां मिनट आएगा तो फिर 19 सही 2/3 में से 1/3 फिर वापस जाएगा, तो सीधे यार घटाना अगर पता हो तो बचेगा 19 सही 1/2, 1/3, 2 में से 1 सीधे चला जाएगा, तो 19 सही 2/3 सॉरी यहाँ पर 1/3। अब जैसे ही अब चढ़ना कितना है, जैसे अब 59वां मिनट तो आ नहीं पाया, क्यों, क्योंकि 59 मिनट में हम तो पूरा एक चढ़ जाएंगे, एक तो चढ़ने को बाकी नहीं और बाकी है मैं चढ़ने को कितना 2/3, यहाँ से ये चीज 2/3, इसीलिए एक मिनट पूरा नहीं तो 58 सही 2/3, क्योंकि एक मिनट में एक चढ़ता है तो 2/3 जो चढ़ने में टाइम लगेगा वो 2/3 ही सेकंड लगेगा, 2/3 ही मिनट लगेगा, ठीक है। ये बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और समझे क्वेश्चन को, अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो हमें बताएं यार। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, वेरी वेरी थैंक यू।